नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार और आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में। तो भारत को मई 10 को भारत की जो आईएफ की टीम थी वो यूएसए गई हुई थी और वहां पे भारत को एक अपाचे हेलीकॉप्टर दिया गया है। इन अपाचे हेलीकॉप्टर का ऑर्डर 22 सितंबर 2015 को ही मिस्टर मोदी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद से आज अभी एक हेलीकॉप्टर ही डिलीवर किया गया है। यूएसए की गवर्नमेंट ने बोला है कि जून 2019 तक वो 6 हेलीकॉप्टर को भारत शिप कर देगा और इन हेलीकॉप्टर्स को खरीदने में भारत को लगभग 4168 करोड़ का खर्चा पड़ा है और बाकी के जो हेलीकॉप्टर है अभी वो आने बाकी ही है। तो ये जो हेलीकॉप्टर है इनकी खासियत ये है कि ये कॉम्बैट रेडी हेलीकॉप्टर है। अभी तक जो भी हेलीकॉप्टर भारत के पास थे वो क्या था कि लड़ाई के लिए नहीं थे, उनसे क्या था कि सैनिकों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जा सकता था, उसके बाद लड़ाइयों का काम सैनिकों का था। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर है ये मिसाइल इक्विप्ड है, कैनन इक्विप्ड है, इसमें ऑटोमेटिक मशीन गन है, ये दिन और रात कभी भी हमला कर सकता है और ये हवा से हवा और हवा से जमीन पे वार कर सकता है। तो इन सारी खासियत के कारण ही भारतीय सरकार ने इस हेलीकॉप्टर का रिक्वेस्ट अप्रूव किया है और ये काफी फायदेमंद होगा भारतीय सैनिकों के लिए, क्योंकि अभी जो भारत पाक सीमा पे माहौल बना हुआ है तो इसको बेसिकली भारत पाक सीमा पे ही डिप्लॉय किया जाएगा। और इन हेलीकॉप्टर्स की खासियत ये है कि यूएस की बोइंग कंपनी ने इसे हाई एल्टीट्यूड ट्रेन के लिए भी बनाया है, ताकि आप अगर पहाड़ों पे से हमला कर सके, बर्फीली एरिया में भी आप इस हेलीकॉप्टर का यूज कर सके, इस तरह से इसे बनाया गया है। ये जो हेलीकॉप्टर है इसकी और एक खास बात है कि ये जैसे कि अभी भारत के पास ये 6 हेलीकॉप्टर कुछ दिनों में हो जाएंगे, तो एक हेलीकॉप्टर जो इमेज निकाल के दूसरे हेलीकॉप्टर को भेज सकता है, दोनों हेलीकॉप्टर कोऑर्डिनेटेड अटैक कर सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर एक साथ 130 टारगेट्स को एनालाइज करके उस पर हमला कर सकता है। ये जो हेलीकॉप्टर है वो रसिया के MI-35 हेलीकॉप्टर से काफी आगे है, जो कि अभी हमारे पास जो कॉम्बैट के लिए हेलीकॉप्टर है वो MI-35 रसिया के हैं, और हमारे पास चिनूक भी है जो कि यूएसए का ही दिया गया हेलीकॉप्टर है। तो इन सारी खूबियों के कारण जो ये हेलीकॉप्टर है वो भारत पाक सीमा पे काफी हेल्पफुल साबित होगा। और इस हेलीकॉप्टर के लिए पहले से ही हमारे इंडियन एयरफोर्स के जवानों की ट्रेनिंग कर दी जा चुकी है। ये जो हेलीकॉप्टर है इसमें इंफ्रारेड और लेजर्स लगे हुए हैं, जिससे कि रात को भी ये अचूक निशाना साध सकता है। ये बाकी की कुछ डिटेल्स हैं इस हेलीकॉप्टर के बारे में जो कि अभी हमने आपको बता दिया, और धन्यवाद आप सबका। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।